हमारा
जिंदगी रही तो इंशाल्लाह अगले जुमे बाप की शान गुफ्तगू होगी। अजमत बाप के हवाले इंशाल्लाह अगले जुमे कलाम करांगे। आज इंशाल्लाह मां का जिक्र शेयर करांगा और तो कुरान कुरान पढ़ के दसांगा कि इन हस्तियों का मकाम की है। आका का फरमान पढ़ के सुनावांगा तो पता चल जाएगा कि ये हस्तियां कौन ने, इन्हों की इज्जत की है, इन्हों का मकाम की है, इन्हों की कदर की है। कुरान मजीद फुरकान हमीद के विचों मैं जो अल्फाज तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया एहसान करो, इन्हें मुहब्बत करो, इन्हों की खिदमत करो, इन्हों की इज्जत करो। तो सब कुरान उठाओ, कुरान मजीद अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई एक मकाम के उत्ते यह नहीं आखिया। यह रब का कुरान है। इतने जी बात एक मकाम से भी आ जाए वह भी बड़ी इज्जत वाली है। छटिया उन्होंने भी नहीं जा सकता। फिर वह बात जी जगह जगह के उत्ते हो अब उन्हें ऐलान फरमाया है।
ਮੈਂ ਜੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਾਦ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਆਪ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਜੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਹਾਬਾ ਜੋਬ ਦਾ ਜੋਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਜੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਹਾਬਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆਇਆ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹਾਦ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਵਜੋ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਿਹਾਦ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਕਰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਗਾਦੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਵੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜਿਹਾਦ ਨੇ ਜਿਹਾਦ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਜੁਮਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਣੋ ਤੇ ਇਮਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਣਾਓ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਦੱਸ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ? ਅਬੂਰ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ 14ਵੀਂ ਤੇ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਮਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,
तेरा पुत्र मेरे सीने दे नाल लगे ठंड पै गई पुत्र पावे जिहो जिहा भी होवे माया दी ये सुकून मिल गया कभी सोच ना ओ जेरी मां ओ होवे जिना पुत्र अल्लाह ने रहमतुल आलमीन दी शान वाला नबी बना के भेजिया होवे उस मां नो पुछदा कि कैसी ठंड पई होनी है ते मां जेड़ी है सरकार पर अम्मा प्यार बिगड़ दी है ते लाखर मोहब्बत करते हैं ये अम्मा तशरीफ लै गई जो चली गई है सियाबा हाजिर हो गए बाजार के काजल वा लिया पकुआ के मुखड़े वा लिया सोने मक्के वा लिया सोने मदीने वा लिया खुदाई के बाद शाह आका जी जरा दसो ना ये बीबी कौन है जेदे वास्ते इतना इंतजाम फरमाया आका सादा लश्कर रुकवाया आप सवारी तो नीचे उतर आए हो आका जी कमरी वाली चादर बिछाई है सोने जरा दसो ना ये बीबी कौन है आका जी ये अम्मा कौन है मेरे नबी ने फरमाया पर मैं सहाबा ये ओ मेरी मां है जेदे सीने विच अल्लाह ने मेनू दुध जैसी नेमत मेरी मां तो बाद मेरी मां है ईमानदारी सुनन आने वाली जेड़ी बीबी सरकार को दुध पिलावे हजूर इतना प्यार करते जाने सैयदा आमना का क्या मकाम होगा जवानी अंदर बरकत फरमाए मैं रुपया करवा नवी बाग दे गुलामो जरा सोच ना उस मां दा क्या मकाम होएगा जेडी मां ने 9 महीने मुस्तफा दो अपने पेट मुबारक अंदर शिकमे अथर विच रखिया होएगा उस बीबी दा की मकाम होएगा सैयदा सैयदा ताहिरा आबिदा ज़ाहिरा नयरा मुनव्वरा हजरत सैयदा अमना बाग दी गल क्या करना ए सही मैं अल्लाह ना माया होया जवान ने बहुत यारो माया होया जहान ने बहुत यारो कमली वाले दी मां वर्गी मां कोई नहीं है नाम होए ने दुनिया ते बहुत यारो कमली वाले दे नाम वर्गा ना कोई नहीं है मेरे करीब नबी पाक अली सलाम ने खिदमत करके इज्जत करके दसिया लोगों मां का बड़ा मकाम है रदाई वालदा है सरकार ओदे नाल इतना प्यार करदे ने इतना बड़ा लश्कर रुकवा देंगे सवारियां रुक जांदियां ने अहम मौका है फतह मक्का दा लेकिन मुस्तफा ने फरमाया रुक जाओ रोक दियो सवारियां अबू राब भी थल्ले उतर आए ने इतना क्रोध तो कौर इस बीबी नु दित्ता गया है बीबी आवे जेड़ो मुस्तफा आखन उम्मी बाद उम्मी खिदमत करमाने मावा गाला कड़ते पुत्रा वेखिया ना ना तेरी कोई शह कबूल नहीं होनी अगर मां तेरे नाल नाराज़ी कोई शह कबूल नहीं होनी अज मां का जिक्र होगा अगर मैं बाप का जिक्र सुनावांगा लेकिन सुनो जुमले पेश कर लिया अगर मां नाराज है कोई से कबूल नहीं दो नफला की बजाय 100 पढ़ ले एक कज की बजाय अलाज बढ़ जा एक देख की बजाय 10 ला ले जकाता देंदा फिर खिराता करदा फिर अगर तेरी मां नाराज ही कोई शह कबूल नहीं अगर तेरी सरकार चाहना तेरी हर शह कबूल हो जाए तो मानो राधी करना पवेगा अज पुत्र याशिया दे सहरा दे तुरे ने कर मां दवाई तो परेशान है पुत्र अपनी गड़िया नहीं फिरता है यारा दे नाल तुरिया फिरता है मां दवाई तो परेशान है बाप दवाई तो परेशान है तेरी कोई शह कबूल नहीं अगर तेरी मां नाराज है अगर तेरा बाप नाराज है अगर चाहना तेरी हर शह कबूल हो जाए तो राजी कर मैं नहीं जुमला रखिया तेरी कोई शह कबूल नहीं
अल्लाह का वली है ना के मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह मैं अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी आले सुन्नत वे ना कभी कच्ची बात कीती है ना तरन दातियां मैं रब दा कुरान पेश करना नबी दी हदीस पेश करना या वो बात जेड़ी मुस्नद होवे जेनु मैं आप तस्लीम करा बेस सुनाना ते मैं नहीं सुनाऊंगा मालिक बिन दीनार नाम है अल्लाह का बहुत बड़ा वली है फरमाते हैं मैं हज पर गया जब हज पे गया ना अल्लाह साहब को ले रहे हम तो सुभान अल्लाह फरमाते हैं हज पे गया ते उठे मैं और रब दी मखलूक देखी इतनी काई इतनी मखलूक आई फरमाते ने मेनू भी मालिक ने हज नसीब किया मैं उठे जाके ओ जो तवाफ कर लिया हजरे असवद भी चुम लिया मकाम इब्राहिम ते नफल भी पढ़ ले ओ मना से कि हज सारे अदा कर ले मखलूक इतनी फिर पता नहीं कितों कितों लोग आए सर हज ते फरमाते ने जो हज ला हो गया ना ते मैं शेरे काबा दे विच बैठा सा काबे दे शेरे विच बैठा सा आते नौ चे बह के ना सोचना असा सारे दा हज कबूल कीता है एक बंदा है असी ओदा हज नहीं हो कबूल मालिक ने दिनार आंदे के अख खुली ताणा मार के वण लग गया अखा विच ओथरू जारी हो गए कि ते ओ बंदा मैं ते नहीं जेदा हज कबूल नहीं हो सारे आए ने कि ते मैं ते नहीं वली अल्लाह दा जेड़ा हुंदा है ना रब दा खौफ ओदे दिल च बहुत आज रब को डर जा कर हर बात आंदा है कि मैं ते नहीं ते कि मेरे नाल ते नहीं है आखे कि जो बंदा मैं ते नहीं जेदा मालिक ने अज कबूल नहीं कीता अखा विच अथरू आ गए रोण लग पए ने तारा मार मार रोंदे रहे सारा दिन रब दी बारगाह में तौबा करते रह गए परवरदिगार आलम अल्लाह को बंदा मेहरबान यार दा मेनू माफी दे दे अल्लाह मेनू माफ कर दे मौला मैं गुनाहगार सारा दिन हजरत मालिक बिन दीनार रब दी बारगाह में अथरू पौंदे रहे ने बिलाखर की होए मुसलमान और राह हो गई मालिक बिन दीनार आलम जमाना लेकिन बंदा तो नहीं बंदा कौन है फरमाया मुहम्मद बिन हारून बख्शी का नाम है उस बंदे का भी अज कबूल नहीं किया आख्या मौला मैं अज कबूल नहीं किया हुक्म होया फरमाया कल्ला ऐ नहीं किया बल्कि 24 साल हो गए ने अज भी आंदा असी ओदा एक भी अज कबूल नहीं किया बड़ा माल खर्च करदा ना असी ओदा माल कबूल करने आ ना असी ओदा अज कबूल करने आ फरमाया 24 साल हो गए असी कोई अज कबूल नहीं किया मालिक पे नाराज पर सुबह हो गई है मैं उठिया मैं तलाश करना फिरना वा मोहम्मद बिन हारून बख्शी केड़ा है कोनो पूछ लवा केड़ा ऐसा अमल कीता जदी वजह दे नाल तेरा हज कबूल नहीं होता हजरत मालिक बिन दीनार आते फरमाया सुबह हुई है मैं कबीलिया में चला गया मुख्तलिफ कबाइल आए सर मैं जाके पूछना मोहम्मद बिन हारून बख्शी तुहाडे विचों है और ना किया ना ना दूजे कबीले नो पूछिया तीसरे कबीले नो पूछिया कोई बंदा पिया जांदा सी उन्हें आख्या बाबा जी केनो पे लगदी हो आख्या मोहम्मद बिन हारून रोजे रखता है तू ओनू तलाश करके की करना है लेकिन सजना नमाज़ा पर सारी सारी रात तस्बीहा कर रोजे रख मालिक कबूल नहीं हो करता क्योंकि मां नाराज होवे बाप नाराज होवे इसे वास्ते सभी सुल्तान साहब फरमाते फरमाया तस्बीह फ्री इते दिल ना फिरया की लैणा तस्बीह ते
थप्पड़ लगिया
नाल तंदूर पिया चलदा मेरी मां तंदूर दे विच गिर गई बस बंदे टुटी हो गए और ना फड़िया मेनू कमरे विच बंद कर दिता दरवाजा बंद हो गया अंदर मेरी मां तंदूर विच जल के बेलाखर कुल नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत जब रब दी बारगाह विच पहुंच गई है बेलाखर की होया जनाजे दा इंतजाम होया मेरी मां नूं दफन कर दिता गया पत्तियां दरवाजा खोलिया नशा उतर चुकिया है मोहम्मद बिन हारून बल्की आंदा मैं पूछिया की होया सी पता किया तेनू नहीं पता की होया नशा की गई मां दे थप्पड़ मारी आई मां तंदूर च गिरी है मां दा इंतकाल हो गया हुण रोंदा है ताड़ा मारदा है लेकिन जदों चिड़िया खेत चुग गई हुण की फायदा जदों पानी सिरों क्रास हो गया हुण की फायदा हुण ताड़ा मारन दा की फायदा हुण रोण दा की फायदा जदों मेरा सी उदों इज्जत नहीं कीती उदों खिदमत नहीं कीती उदों बाप नूं गाला नहीं कढ़िया मां नूं धक्के नहीं दित्ते मेनू कोई बंदा कह जांदा असी तेरा हज कबूल नहीं कीता तू मां दा बेअदब मां दा गुस्ताख है मां नूं मारन वाला है असी तेरा हज कबूल नहीं कीता मुसलमानों मालिक भी तेरा रंदे मेनू भी चढ़ा ला गया मेनू भी गुस्सा आ गया मैं क्या तेरे नाल ए हो कुछ होना चाहिदा सी जो कोई तू कीता है आंदर मैं उठिया अपने घर चला गया मालिक भी तेरा रंदे घर जाके सुता मेरे पथ जाल पे ने आमिना दे लाल दा दीदार हो गया अल्लाह दे हबीब दा दीदार होया रब दे हबीब ने फरमाया फरमाया मालिक बिन दीनार अल्लाह दे बंदे नूं अल्लाह दी रहमत तो मायूस क्यों कराया तेनू नहीं पता ला तक ना तो मेरी रहमत इल्ला ओदी रहमत तो मायूस नहीं होना चाहिदा तू क्यों मायूस कराया तेनू नहीं पता ओदा ते ओदी मां दा मामला है ते जदों मां दी गल आ जाए मां ते नरम दिल होया करदी है फरमाया पता की होना आका जी दसो की होना फरमाया कयामत दा दिन होएगा हशर दा मैदान बरपा हो जाएगा बंदे इकट्ठे हो जाएंगे मखलूक इकट्ठी होएगी रब दा जब फरिश्ते भी इकट्ठे होणगे हिसाब किताब हो रिया होवेगा हशर दा मैदान तेरी मां आ जाएगी आ के आखेगी रब्बुल आलमीन मौला मेरे पुत्र ने मेनू मारिया सी अल्लाह मैं इहदे दे कोल बदला लैणा चाहुंदी आ मौला इहनू सदा दे अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस वेले ओदी मां दे हक में फैसला कर देगा मुकदमा दायर होया बिलाखर फैसला मां दे हक विच हो गया अल्लाह फरमाएगा फरिश्तो मौला हुक्म होवे फरमाया इस माई दे पुत्र नूं लै जाओ जाओ जा के जहन्नम दे सड़ दियो फरिश्ते लै के जांदे होणगे ओह मां जिहड़ी आंदी है मौला जहन्नम चो सुट दे जदों पुत्र नूं जांदियां वेखेगी अखां विचों अथरू आ जाणगे दिल नाजुक तड़प जाएगा आके दी मौला मैं अपने पुत्र नूं माफ कर छड़ी है फरमाया ए मां दे बेटे दा मामला है मां दे पुत्र दा मामला है ओह रब दी रहमत तो मायूस ना कर पावे जो कुछ होया मां आखर माफ कर ही देना है अज तेनूं भी पैगाम देवांगा अगर किसे दा किसे दे मां दे नाल कोई ऐसा मामला है माफी मांग लै कदमां विच डिग पै जदों कदमां विच डिग पवेगा ए नरम दिल हुंदी ए माफ कर देगी अपने बाप दे नाल अगर किसे दा मामला कदमां विच डिग पै माफी मिल जाएगी माफी मिल गई तू जहन्नम विच भला हो जाएगा
याद रखी अगर मां नाराज ते कुछ भी नहीं होना बल्कि दसना चाहना मां नाराज हो बंदे की रूह भी औखी निकल दी जे आ हवाला मेरे को मौजूद है कच्ची बात नहीं कर रहे बरकत आने सुनत है दलील नाल बात कर रहे मेरे नबी का सियाबी है नाम अलकमा है हजरत अलकमा की रूह नहीं निकल रही सियाबा बड़े परेशान थे भाई रूह नहीं निकल रही नेला ला दे बड़ा परेशानी का आलम है रूह नहीं निकल रही काजल वाले जुबान से कलमा नहीं जारी हो रहा अज साडे हां भी यह कोई मामला हो बंदी को पता की आंदे पढ़ कलमा बाबा जी कलमा पढ़ो अम्मी जी कलमा पढ़ो हालांकि ये लफ्ज़ नहीं कहने चाहिए हाँ शरीयत का मसला सुनो जब किसी की रूह निकल रही हो नहीं कहना चाहिए पढ़ कलमा हाँ हाँ सुनो मैं फिर कह रहा ये नहीं कहना चाहिए पढ़ कलमा क्यों तू आखे पढ़ कलमा ओनू होश ही कोई नहीं आखे मैं नहीं पढ़ता सारी जिंदगी खत्म हो गई तबाह हो गई मुस्तफा की हदीस है शरीयत का मसला है ओनू ए ना को कलमा पढ़ बल्कि कोल खलो के आप पढ़ कलमा जब तुसा कलमा पढ़ोगे ओदी जुबान ते खुद ब खुद कलमा जारी हो ए मसला तो पता लग गया अब तो सुभान अल्लाह क्या भी आ गए लफ्ज़ वाला गुलाम में अल्तुमा नाम है हुजूर रो नहीं निकल रहे सोनिया कलमा जुबान में जारी नहीं हो रहा मेरे करीम फरमाया सियाबा पता करो इनकी मां जिंदा है सियाबा तुर गए गरीबा का गमखार नबी है फरमाया पता करो मां जिंदी सियाबा गए हुजूर जिंदा है फरमाया दी मां नु आखो आप मैं की जब सोना आप तुर के आ जाए साडी बारगाह आप पाएगी या असी आ जाइए मां तो जब जा क्या किया क्या सोने ने सदिया है नाराजगी नहीं माई बोल कहती सोनिया मैं नाराज हाँ आका मेरे उत्ते अपनी बीवी नु फोकी दिया करता सी मैं नहीं आता कि बीवी की इज्जत नहीं ना बीवी का मकाम अपनी जगह ते वे मां का मकाम अपनी जगह ते वे बेटी का मकाम अपनी जगह ते वे बाप का मकाम अपनी जगह ते वे सोनिया बीवी नु इज्जत देता सी मेरे उत्ते फोकी देता सी हजूर मैं नाराज हाँ हजूर मैं नाराज हाँ मेरे करीम जो मां नाराज है लकड़ा कठिया हो गई अग जला ली गई है माई नु पता चलिया मेरा पुत्र अग में जलेगा मेरा पुत्र अग च सड़ेगा मां इस अग तो डर रही है जहन्नम की अग विच सुत रही है बस ये अल्फाज है माई आंदी है सोनिया मैं अपने पुत्र नु माफ कर छ पता चलिया मां नाराज होवे ते रूह भी औखी निकल गई है इन्हां हस्तियां नूं राजी कर इन्हां दी खिदमत कर मां नूं गाला ना कढ़िया कर धक्के ना दिया कर मां नूं बेफज़ूल जुमले ना किया कर ये रिश्ते फिर नहीं हो लभदे ना मां लभदी हो ना बाप लभदा है फिर ते ही गल्लां आ जांदियां ने एडियां बूढ़ियां जग ते छावां
रब दिया नहीं एडिया बूढ़िया जगते छावा लब दिया नहीं तुड़ जावन कुमार ते मावार लब दिया नहीं तुड़ जावन कुमार ते मावार लब दिया नहीं एडिया बूढ़िया जगते छावा लब दिया नहीं तुड़ जावन कुमार ते मावार लब दिया नहीं گفتگو ہوئے گی۔